हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो आज है 10 नवंबर, आज है 10 नवंबर। 10 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे छोटे छोटे PM तक के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी होता है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए और PDF टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? इसको पूरा विश्व भर में जो है हम 8 नवंबर को मनाते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये जो है कार्यक्रम है, जागरूकता कार्यक्रम है, जो हर साल 8 नवंबर को इसको मनाई जाती है ताकि स्वास्थ्य के देखभाल प्रबंधन में छूट डायग्नोस्टिक जो इमेजिंग विकिरण चिकित्सा और रेडियोग्राफर की जो महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में जो है जागरूकता यहाँ पे बढ़ाई जाती है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो 8 नवंबर को हम जो है एक्सरे की खोज के उपलक्ष्य में इसको हम मनाते हैं, जो कि एक्सरे जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है स्वास्थ्य संबंधी कई तरह के समस्याओं का जो उपयोग इसका किया जाता है। आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का जो है कानून बनाने की घोषणा किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने, तो ऑस्ट्रेलिया का जो अभी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, कौन है अभी प्रधानमंत्री यहाँ के? एंथोनी अल्बनीज, ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने लगभग 16 साल के जो है कम उम्र के बच्चों, ठीक, 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए एक सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का जो फैसला किया है, और इसको जल्द अगले हफ्ते इसको जो है विधेयक को पेश किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के सभी जगह, ठीक है, सभी राज्यों में यहाँ पर प्रतिबंध को जो है समर्थन देने के लिए भी फैसला किया। आजकल सोशल मीडियम, ठीक, बच्चों को तो पढ़ाई नुकसान हो रहा है, बहुत सारे यहाँ पे जो इससे जो है प्रभावित करते हैं, इसलिए यहाँ पे सरकार ने ऐसे जो है कदम यहाँ पे उठाया गया है। ठीक, तो 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ऐसा जो है सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, कैनबरा इसकी राजधानी है। एंथोनी अल्बनी जब यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है, एक हमारे भारत के दौरे पर भी कई बार आ चुके हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो आपका पंजाब एंड सिंध बैंक ने हाल ही में ई बैंक गारंटी सुविधा इन्होंने इस बैंक ने लॉन्च किया, सुविधा शुरू की गई। तो हाल ही में जो पंजाब और सिंध बैंक ने जो है जितने भी कागज रहित जो उपयोग होते थे, ठीक है, इसको जो है डिजिटल कर दिया गया है। अब जो बैंक में यहाँ पे जो है कागज रहित जो है यहाँ पे जो है बैंक से संबंधित वर्क यहाँ पे कागज रहित किया जाएगा, ऑनलाइन सब भी जो है काम यहाँ पे किया जाएगा। ये जो सुविधा यहाँ पे जो बैंक के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है, डिजिटल सिस्टम यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई, उदयपुर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये जो भारतीय सैन्य विरासत का ये दूसरा संस्करण ये महोत्सव नई दिल्ली में जो है मतलब ये शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया है? तो जनरल अनिल जो चौहान है, इस हमारे जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ये महोत्सव को उद्घाटन इन्होंने किया गया है। और इस महोत्सव का मेन उद्देश्य यही है कि जो है उद्देश्य जो है शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से जो है भारत की जो सैन्य विरासत को जो है संरक्षण और एक प्रचार करना है, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में जारी फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष स्थान पर रहे? तो मैग्नस कार्लसन, नाम सुने होंगे, ठीक है, जाने माने जो है शतरंज प्लेयर है वर्ल्ड के, ठीक है, नंबर वन जो है शतरंज प्लेयर है मैग्नस कार्लसन। और ये कहाँ के जो है मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे देश के रहने वाले, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये जो है शतरंज खिलाड़ी हैं, पेशे से नंबर वन शतरंज प्लेयर हैं, नॉर्वे के जो रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है शतरंज के जो है ग्रैंड मास्टर, ठीक है, विश्व का चैंपियनशिप, विश्व के जो है प्रथम स्थान पे जो है इन्होंने हासिल किया है, ठीक है, इसको याद रखें। और हमारा जो भारत के जो शतरंज प्लेयर हैं, ठीक है, जो है करवाना और ये जो है आर प्रज्ञानंद, इन यहाँ पे प्लेयर को जो है इन्होंने हरा के ये जो है उपलब्धि इन्होंने हासिल की। तो बाकी आर प्रज्ञानंद जो है
आप सभी जानते हैं कि भारत के जाने माने जो है शतरंज प्लेयर हैं, इन्होंने मतलब जो है इन्होंने जो है उनको चुनौती थी विश्व के जो है नंबर वन जो है शतरंज प्लेयर को, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की आर प्रज्ञानंद जी ने। हाल ही में किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुसी विल्स। इनको हाल ही में व्हाइट हाउस, ये व्हाइट हाउस जो है यहाँ के प्रेसिडेंट जहाँ पे जो है निवास करते हैं वहाँ पे व्हाइट हाउस बोलते हैं, ठीक है। ट्रम्प जी जो है यहाँ के जो है अमेरिका के जो है, ठीक है, सेकेंड नंबर के जो है प्रेसिडेंट बने। पहले जो है जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक है। तो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है सुची विल्स के, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, फिर से यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है जी। हाल ही में भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पे जो है सहमत हुआ है, तो आपका नेपाल। तो हाल ही में नेपाल सरकार, ठीक है, नेपाल आप सभी को पता हो भारत को जो है पड़ोसी कंट्री है, तो नेपाल के ऊर्जा और जल संसाधन जो मंत्री हैं दीपक खड़का, ठीक है, इन्होंने 3 से 6 नवंबर तक भारत के दौरे पे जो है रहे हैं, जिसमें नेपाल और भारत को जल विद्युत परियोजना में तेजी लाने और ऊर्जा जल संसाधन अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पे जो है हाँ जो सहमति जताए हैं, ठीक है, अभी दौरे में आए हुए थे। तो इस तरह अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे जो है दौरे के दौरान यहाँ पे जो है परियोजना को, ठीक है, सहमत हुए हैं नेपाल, ठीक है। नेपाल अगर बात करूँ राजधानी यहाँ की काठमांडू है। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी हैं अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हाल ही में किस IIT ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन के लिए समझौता किया है, तो IIT खड़गपुर। एक तरह जो होम्योपैथी जो IIT खड़गपुर ने समझौता किया गया, ठीक है, ये जो है औषधि गुठ इलाज के लिए, ठीक है, औषधीय यहाँ पर जो है अनुसंधान जो है रिसर्च करने के लिए, ठीक है, औषधि गुठ पर जो है रिसर्च करने के लिए आजकल जो है यहाँ पर जो है ताकि जो है मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेदिक पद्धति को जो है ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे जो है बढ़ावा दे, इसी लिए यहाँ पे खड़गपुर ने होम्योपैथिक अनुसंधान के नवाचार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है रिसर्च करने के लिए, ठीक है, इस पर जो है समझौता यहाँ पे किया गया है ताकि जो है होम्योपैथिक जो है दवाओं की खोज में जो है सहायक हो गए, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है समझौता किया गया है। वहीं मैं बात करूँ IIT जो है खड़गपुर, ये जो है कौन से राज्य के अंतर्गत ये संस्थान आता है, तो ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के द्वारा यहाँ पे जो है ये अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, जिसको आपको याद रखना है। हाल ही में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आश्रय हिंद कहाँ शुरू हुआ है, इसकी जो शुरुआत कहाँ हुई है, ये आपका पुणे में, ठीक है। ये जो है तीसरा संस्करण है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है, तो ये जो तीसरा संस्करण भारत ऑस्ट्रेलिया के जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत के जो है सेना और ऑस्ट्रेलिया के सेना, ठीक है, यहाँ पे जो है पुणे में, ठीक है, एक जो है 8 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सेना को यहाँ पे दोनों देशों की सेना को एक शक्ति बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बहुत सारे सैन्य प्रशिक्षण यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इस प्रशिक्षण से एक सैन्य शक्ति जो है ताकत बढ़ाना रहता है, बहुत सारे अभ्यास इनको कराए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो है देश को सुरक्षित किया जाए, इसका मेन उद्देश्य यही है, दोनों देश को बीच जो है यहाँ पे सुरक्षा को जो है बढ़ावा मिल सके, इस तरह के जो है इसका नाम आश्रय हिंद दिया गया है, ठीक है जी, इसको आपको याद रख, इसका संस्करण है पूरे में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किसकी जो उपन्यास है द सैटनिक, ठीक है, द सैटनिक वर्सेस पर जो है लगा प्रतिबंध हटा दिया गया, तो सलमान रुश्दी, तो सलमान रुश्दी जो है, ठीक, एक उपन्यासकार हैं, जाने माने जो है लेखक हैं, ठीक है, तो ये जो है उनके ऊपर एक जो है किताब थी सैटनिक वर्सेस करके, द सैटनिक वर्सेस पर जो है बैन लगा दिया गया था, ये जो है ये बच्चों पर आधारित जो है उपन्यास लिखते हैं, ठीक है, फिक्शन नॉन फिक्शन ये बुक लिखते हैं, ठीक है, और इन्होंने तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था द सैटनिक वर्सेस करके, अब इसको जो है हटा दी गई, तो हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगाया गया था, अब इसको फाइनली हटा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर है, तो ये आपका सिंगापुर, तो सिंगापुर इसमें जो है पहला स्थान है, बस इतना ही याद रखें, इसमें भारत का रैंक आपको याद रखना है, ठीक है, जो कौन सा देश के पासपोर्ट जो है कितना मजबूत ऐसा करके रैंक निकाला जाता है, इसको इसी को जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं। भारत का रैंक इसमें 82 है, याद रखिए 82 स्थान है, और इसमें जो पहले नंबर में आपका जो है इस इंडेक्स में सिंगापुर पहला नंबर, भारत 82 स्थान पर जो है पहुंच गया है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, लगभग
58 देशों में जो है वीज़ा मुक्त जो है यहाँ पे होगी, मतलब जो है 58 देश जो है भारत के लिए ठीक है वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ट्रेवल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कहीं भी लगभग 58 ऐसा देश है जो भारत को वीज़ा मुक्त यहाँ पे जो है मतलब बिना वीज़ा के आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ पे जो है जारी किया है साथ। तो हाल ही में गुजरात ने जो है गुजरात राज्य ने भारत की पहली जो है समर्पित सेमी कंडक्टर नीति जो है शुरू किया गया है, और ये जो 2022 से गुजरात सरकार साल 2022 से 27 के लिए गुजरात में सेमी कंडक्टर नीति जो है पेश की है, इसके जरिए यहाँ पे गुजरात सरकार ठोक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की स्थापना करेगा। यहाँ पे गुजरात के साथ साथ वे मतलब गुजरात में सेमी कंडक्टर प्लांट यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जिसकी लगभग 2200 करोड़ इसकी जो है लागत है, और इसमें आपका सेमीकंडक्टर में आपका जो है आईसी चिप और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पे बनेंगे ठीक है, जिसमें भारत अग्रणी होना चाहिए ठीक है, मतलब दूसरे देश से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से आपको निर्यात करने को भी मिलेगा ठीक है, तो हमारी इससे इकोनॉमी भी अच्छी होगी। तो इस तरह सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला देश आपका गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी है और भूपेंद्र जो पटेल हैं अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, इम्फाल, गुवाहाटी, ईटानगर या इनमें से कोई? तो 8 दिनों तक जो है ये 8 दिवसीय जो है पूर्वोत्तर आदि महोत्सव जो है जिसका उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। गुवाहाटी जो है असम की जो है लार्जेस्ट सिटी है ठीक है, असम का जाना माना शहर है गुवाहाटी, दिसपुर यहाँ की राजधानी है, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आदि महोत्सव का आयोजन हाल ही में यहाँ पे किया गया है गुवाहाटी शहर में, यहाँ पे कई हिस्सों में मतलब जो है इसके दौरान ये जो महोत्सव के दौरान अगर इस महोत्सव की बात करूँ तो ये जो है एक ट्राइबल महोत्सव है, यहाँ पे जो है 8 दिनों तक चलने वाले हैं, जिसमें आपको ये महोत्सव में ठीक है ये मतलब कल्चर यहाँ के कल्चर ठीक है क्राफ्ट और बहुत सारे जो है एक तरह का जो है मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें हाथों से बने हुए जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिले जो यहाँ पे हर साल आयोजन किया जाता है ठीक है। असम में एक और फेस्टिवल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बिहू ठीक है, बिहू जो है कौन से राज्य का जो है फेस्टिवल है ऐसा करके आता है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का जाना माना फेस्टिवल है असम का, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 83वें क्रम के भारतीय सड़क कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ है, तो आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के यहाँ के जो स्टेडियम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो ऑडिटोरियम यहाँ पे इस साइंस कॉलेज परिसर में आज हो जाएगा, ये जो 83वें क्रम का है जो भारतीय सड़क जो है कांग्रेस जो अधिवेशन जो स्टार्ट हुआ है, और इसमें छत्तीसगढ़ की जो है कला संस्कृति ठीक है और लोक संस्कृति ठीक है हस्तशिल्प ग्रामोद्योग पर्यटन संजीवनी वन विकास जैसे स्टॉल्स भी यहाँ पे जो है लगाए गए थे ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे मुद्दों पे भी बात किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ के जो है अभी मुख्यमंत्री कौन है, भाजपा पार्टी के जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी यहाँ के मुख्यमंत्री ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।